उपायुक्त सोलन हंसराज शर्मा ने जिले के सभी उपमंडला अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश सरकार के नियमानुसार जिले में सभी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां, माफिया, भ्रष्टाचार एवं विधि का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। उपायुक्त ने ये निर्देश विभिन्न विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। हंसराज शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और माफिया की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में होशियार हेल्पलाइन स्थापित की गई है। ये हेल्पलाइन हर समय कार्यरत है। इस हेल्पलाइन पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के माफिया के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा सकता है। हेल्पलाइन पर जानकारी देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क दूरभाष नंबर 1090 स्थापित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान किया कि वे होशियार हेल्पलाइन के बारे में सभी कार्यालयों तथा आम जनमानस को सूचित करें। उपायुक्त ने कहा कि सोलन हिमाचल प्रदेश का सबसे तेजी से विकसित होता जिला है। सोलन जहां एक और प्रदेश का शिक्षा हब है, वहीं औद्योगिक नगरी के रूप में भी सोलन की एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ये प्रयास करेगा कि सोलन जिला भ्रष्टाचार, माफिया एवं अपराध मुक्त रहे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को आदेश दिए हैं कि जिले में नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाया जाए। जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष ध्यान दिए जाएं। उन्होंने अबकारी एवं कराधान विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिले में विभिन्न रेस्टोरेंट, ढाबों तथा होटलों इत्यादि में नियमित अंतराल पर औचक निरीक्षण किए जाएं। उन्होंने खनन विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिले के विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन पर नजर रखें तथा ये भी सुनिश्चित बनाएं कि नियमानुसार ही खनन गतिविधियां हों। हंसराज शर्मा ने पुलिस तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिले में प्रसव पूर्ण लिंग परीक्षण अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू करना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिले की विभिन्न निजी क्लिनिकों में जांच करें, अल्ट्रासाउंड मशीनों की पंजीकरण की स्थिति भी जांची जाए। उन्होंने जिले के सीमांत क्षेत्रों में नियमित अनुश्रवण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की अनुपालना के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार के नियमानुसार 100 दिन के लक्ष्यों की कार्य योजनाओं पर अमल करें। उन्होंने कहा कि कार्य योजना तथा कार्यवाही के संबंध में उपायुक्त कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करते रहें। उन्होंने सभी अधिकारियों से आग्रह किया है कि आपसी समन्वय एवं तालमेल स्थापित कर कार्य करें। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन डॉ. शिव कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी N.K. शर्मा, उपमंडला अधिकारी सोलन आशुतोष गर्ग, उपमंडला अधिकारी नालागढ़ प्रशांत इत्यादि मौजूद रहे।